सब्सक्राइब कीजिए ई पाठा लगे चैनल को और हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। दूसरा वंश आता है, आप ये देखेंगे यहाँ पे खानवा वंश करके, खानवा खानवा कुछ ऐसी ये वर्ड है, ये डायनेस्टी आती है और वो भी वहीं से शुरुआत करेगी जहां से पाटलिपुत्र मेन था, वहीं से शुरुआत करेगी क्योंकि वो एक हब सेंटर बन चुका है पूरी तरीके से। कोई भी राजा आ रहा है वो वहीं से शुरुआत कर रहा है अपनी, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका कार्यकाल जो कानवा डायनेस्टी है, जो कानवा डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है 775 बीसी से 30 बीसी तक ये लोग रहते हैं। इनका कार्यकाल लगभग इतना रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों वही रहेगी, क्योंकि विदिशा किसने ट्रांसफर कर दी थी इससे पहले वाले साम्राज्य ने, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दो राजधानियां बनाई थी, तो इन्होंने भी अपनी दो राजधानी ही रखी, है ना। पाटलिपुत्र, अब इनकी मेन लैंग्वेज संस्कृत थी, संस्कृत आ गई क्योंकि हिंदुज्म आ गया ना, अब संस्कृत होगी। पहले बुद्धिज्म था तो वहां पे खरोष्ठी लिपि में वो लोग लिखा करते थे, अब ये संस्कृत में आ गए। यहाँ पे मेन धर्म हिंदुज्म था और बुद्धिज्म था, जैन धर्म यहाँ पे लगभग खत्म हो चुका था। यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वही राजशाही तंत्र था यहाँ पे, और ये अपने आप को ना महाराजा दी राज की उपाधि दिया करते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये सारे के सारे आ तो चंद्रगुप्त वंश से ही रहे, क्योंकि वो उसका मंत्री रहा, जो पुष्यमित्र शुंग था वो बृहद्दत्त का मंत्री तो रहा, भले से ब्राह्मण ही था लेकिन था तो उनके कार्यकाल से ही। कोई दूसरा आकाश से उड़ के जमीन फाड़ के तो नहीं आ जाएगा, आएगा तो वहीं से ही, है ना। तो देखिए सुग्न डायनेस्टी से ये जीत जाते हैं और हारते हैं गुप्ता डायनेस्टी से और सातवाहन डायनेस्टी से, इन दो डायनेस्टी से ये वंश हार जाता है। कौन सा वंश? कानवा वंश हार जाता है। ये जीतता है सुग्न डायनेस्टी से और हारता है गुप्ता डायनेस्टी से और सातवाहन डायनेस्टी से। ये दोनों डायनेस्टी अब आप पढ़ोगे जब के पेपर में आएगी, तो इसका छोटा सा था इसलिए मैंने इसको उठाया। अब देखो वसुदेव कानवा करके इनका नाम था, जिन्होंने क्या कहते हैं 775 से लेके 266 बीसी तक इस कानवा राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना करी। अब ये कौन थे आपको पता चलेगा आगे, ये भी एक ब्राह्मण राजा थे। क्यों? क्योंकि हिंदुज्म फॉलो हो रहा है वहां पे, अब संस्कृत भाषा पूरी तरीके से आ रही है, अब कर्मकांड आने चालू हो गए हैं, यज्ञ प्रथा आनी चालू हो गई है क्योंकि वैदिक काल शुरू हो चुका है अच्छी तरीके से, ऋग्वेद पीरियड चालू हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो आप ये देखेंगे कि वह मूल रूप से आखिरी वंश शुग्न के अमात्य, अमात्य मीन्स कौन थे? मंत्री। साप्तांग की स्थापना हुई थी तो आपने अमात्य पढ़ा था, अब मंत्री थे ये, अब मंत्री थे तो ये भी समझ जाएंगे कि देवी भूत कोई ना कोई ऐसा कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से वो उसको मार देंगे और अपने आप को बोल देंगे कि चल भाई मेरी डायनेस्टी आ जाएगी। अब इनके मंत्री थे वो, और आप ये वाली बात होगी घर का वेदी लंका ढाए, ये तो वही वाली बात होगी, उनके मंत्री थे देवी भूत के ये, उसके साम्राज्य के टाइम पे। किस साम्राज्य के टाइम पे? शुंग डायनेस्टी के टाइम पे, है ना। तो ये उनके बेटे भूमि मित्रा द्वारा सफल हुए और राजा वसुदेव कला एक प्रसिद्ध रक्षक माने जाते हैं। मतलब इन्होंने क्या करा, देखो भाई किंगशिप जो होती थी यानी कि जो धर्म होता था इनके कार्यकाल के अंदर, जो भी इनकी कलाकृति होती थी, जो कुछ भी, जो या तो चंद्रगुप्त ने बनाया या पुष्यमित्र शुंग ने बनाया या अग्निमित्र ने बनाया या वसुदेव ने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, वो सारे के सारे लोग क्या कहते हैं, जितना भी कुछ बना के गए हैं वो इनका प्रोटेक्शन करता था ये। इसने कोई भी क्या कहते हैं संस्कृति धरोहर नष्ट होने नहीं दी, ये अपने बेटे के द्वारा हारे थे और बेटा ही आता है अपनी सत्ता पे मरने के बाद तो इनके, है ना। तो आप ये देखेंगे कि राजा बनने के बाद उन्होंने अपने आप को महाराजा दी राज की उपाधि दी, जैसे बाहुबली के अंदर अमरेंद्र सिंह बाहुबली, तो ऐसी अपने नाम के आगे भारी भारी वर्ड लगाना इनको अच्छा लगता था, इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को महाराजा दी राज की उपाधि। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की डायनेस्टी के बाद अगर देखते हैं हम, तो पहला ये ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने नाम के आगे महाराजा जी राज लगाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि देवी भूत को मार देते हैं। आप ये देखेंगे
83 से लेकर 75 के बीच में मार देते हैं उनको, और पाटलिपुत्र विदिशा अपनी राजधानी बनाते हैं, है ना। तो अब देखेंगे आप देवभूत की हत्या का कारण क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट भाई आप ये देखेंगे, स्त्री वासना के कारण देवीभूत को वसुदेव ने रानी वेश की धारण करके दासी पुत्र से मरवा दिया। दैट मीन्स ही इज फीमेल एडिक्शन। फीमेल एडिक्शन मीन्स आप बोल सकते हो कि आपने देखा हो राजा महाराजा पहले के टाइम पे हुआ कर रहे थे मौज मस्ती करना, इस वजह से मंत्री समझ गया भाई क्या कहते हैं ये बंदा थोड़ा गलत टाइप का बंदा है, इसका साम्राज्य जाएगा, सिंपल सी बात है, इस गलत काम की वजह से जाएगा। तो इसने क्या करा, इसने अपनी जो रानी थी उसकी क्या कहते हैं दासी जो थी उसके पास भेज दी और जासूस बना के भेज दी और क्या कहते हैं इसे खाने में कुछ मिला दिया और ये बंदा उस समय निकल लिया। तो देखिए आप ये कितने काम वासना के शिकार थे ये। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं इसकी इंफॉर्मेशन हमें हर्ष चरित्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है, कि ऐसा कुछ था, इसकी वजह से इनका साम्राज्य गया था। ये बुक आप देखेंगे बाण भट्ट ने ये बुक लिखी है और क्या कहते हैं द हरिश्चंद्र चरित्र, ये बुक है बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि देवीभूत को मारने का कारण क्या था, ठीक है। तो आप देखेंगे जो रूलर्स थे मगध के शासन होने से इस वंश के संस्थापक को सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। क्यों? मगध के शासन के साथ ही तो इनका टाइम पीरियड चलता आ रहा है, ये उसी की तो रूढ़ है, उसी की तो जड़े हैं, इसकी वजह से इनको सम्राट भी बोला जाता था, सम्राट महाराजा जी राज। तो सम्राट अशोक थे तो ऐसे इनको भी सम्राट की उपाधि दे दी गई। क्यों? क्योंकि है तो ये उन्हीं के वंश के, है ना, इसकी वजह से। तो देखेंगे आप यहाँ पे इसका फर्स्ट रूलर जो था वो लगभग 9 साल रहता है, 66 से लेके क्या कहते हैं 75 BC से लेके 66 BC तक। उसके बाद क्या कहते हैं उनका बेटा आ जाता है विभीभूत करके उनका नाम है, वो 66 से लेके 52 के बीच में रहते हैं, 14 साल तक रहते हैं, ठीक है। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे उसके बाद उनका बेटा आता है नारायणा करके 52 से लेके 40 के बीच में जो 12 साल तक रहते हैं, ये इनके बड़े बेटे थे। मतलब वही डायनेस्टी चलती जा रही है, मेन जिसने स्थापना कर दी फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, ऐसे ही चलता रहा ऐसी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे उसने उनके अपने पुत्र के द्वारा वो सफल हुए, उनका नाम शुशिवरण करके इनका नाम था, जो 40 से लेके 20 तक, देखो टाइम पीरियड अब घटता जा रहा है। तो ये क्या कहते हैं सुशील मरण के द्वारा सफल हुए ये भी, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखेंगे सुशील मरण जो कान्वा वंश के अंतिम राजा थे, ये कान्वा ने किसी क्षेत्र में कोई विशेष कीर्ति अर्जित नहीं करी, बस क्या कहते हैं डायनेस्टी चलाते के चलाते के चलाते गए। मंत्री थे इन्होंने बस मौके का फायदा उठाया और देवी भूत की हत्या कर दी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमें सीखने को ये मिलता है कि इन सब की इंफॉर्मेशन हमें एक तो हरिश्चंद्र है जिन्होंने बाण भट्ट ने लिखी थी वो वहां से हमें देखने को मिलती है कि इनका कार्यकाल कैसा था। अब ठीक है अब देखेंगे आप ये लगभग क्या कहते हैं 30 BC में, क्योंकि यहाँ पे इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है ना, तो ये 30 BC में सातवाहन के द्वारा उखाड़ दिए जाते हैं।